नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस कुछ वीडियो में मेरे कमेंट आ रहे थे कि शॉपबेस को ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में कहाँ से परचेस करना है, तो उसी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं आज देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि शॉपबेस का यूज़ किन किन चीज़ों में किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, वीडियो में दो पैकेट पड़े हैं हमारे, जो मैंने ऑनलाइन परचेस किया है शॉपबेस। तो आप देख सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये गोट मिल्क शॉपबेस है, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल प्योर शॉपबेस है। और इसका भी यूज़ हम लोग साबुन बनाने में करते हैं। तो अभी आपको मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे दो शॉपबेस ही दिखा सकता हूँ वीडियो में, कि शॉपबेस किस किस टाइप के आते हैं मार्केट में, कौन से टाइप के शॉपबेस अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं, ये एक फर्स्ट पैकेट में मैंने मिल्क शॉपबेस निकाला है, और आप देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ दिखाई देता है ये। अगर आपको ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं इसे। आगे मैं आपको बताऊंगा ऑफलाइन मार्केट में आपको ये शॉपबेस कहाँ अवेलेबल होगा। तो पहले मैं इसको इस पैकेट को खोल लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने ट्रांसपेरेंट शॉपबेस मंगाया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शॉपबेस है, ये दोनों एक ही कंपनी के शॉपबेस है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शॉपबेस है, ये 1 kg का है, और वो आप देख सकते हैं ये वाला 0.5 kg का है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का सोप बेस है हमारे, दो टाइप के सोप बेस है। अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ मार्केट में कितने प्रकार के सोप बेस है। तो आप देख सकते हैं, पहले ट्रांसपेरेंट सोप बेस है, फिर एलोवेरा सोप बेस, फिर चारकोल सोप बेस, फिर मिल्क सोप बेस, फिर पपैया सोप बेस। तो आप देख सकते हैं और भी प्रकार के, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं इतने प्रकार के सोप बेस भी अवेलेबल है मार्केट, ऑनलाइन मार्केट में। तो आपको अगर ख़रीदना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा ऑफलाइन मार्केट में आपको सोप बेस कहाँ मिलेगा। ऑफलाइन मार्केट में आपको सोप बेस केमेस्ट्री शॉप पर मिलेगा, या तो आपको कॉस्मेटिक शॉप पर मिलेगा। आप दोनों शॉप पर एक बार ट्राई कर लीजिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में। केमिस्ट्री शॉप मीन्स आपको रासायनिक पदार्थ जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एक बार आपको ट्राई कर लेना है, जहाँ केमिस्ट्री के जो रासायनिक पदार्थ मिलते हैं वहाँ पे। और कॉस्मेटिक शॉप पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और ऑनलाइन तो आपको 100% मिल ही जाएगा। और इसका अब यूज़ मैं आपको बताऊं तो हम लोग मल्टीपर्पज़ के लिए करते हैं। जैसे घर पे आपको साबुन बनाना है, जैसे एलोवेरा सोप हो गया, या तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सोप बेस, जैसे कलर सोप बेस हो गया, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे नीम सोप हो गया। तो ऐसे हम लोग अलग अलग प्रकार की साबुन बना सकते हैं सोप बेस के माध्यम से अपने घर पर। तो इसीलिए ही सोप बेस का यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं सोप बेस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये मेल्ट हो सकता है, और इसे हम किसी भी प्रकार की सांचे में या आकृति दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में इस प्रकार की हमारी साबुन बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको सोप बेस से रिलेटेड और कोई वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं कभी भी नए वीडियो चढ़ाऊँ तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।